हेलो एवरीवन वेलकम टू जेई क्लासेस मेरा नाम है मोहित शर्मा और हम पढ़ रहे हैं मटेरियल साइंस तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी अपने फेरस मटेरियल्स के बारे में बात करी थी और हमने देख लिया था कि हमारे जो मेटल्स uh, अलॉयज होते हैं स्टील्स और कास्ट आयरन कितने टाइप के होते हैं सब हमने पढ़ लिया था आज हम जो पढ़ेंगे बच्चों वो है हमारा फ्लो शीट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील कि हमारा जो आयरन और स्टील है उसका जो किस तरीके से हमारा आयरन के ओर से आयरन और स्टील हम प्राप्त करते हैं उसके बारे में हम ध्यान देखेंगे ठीक है तो आज का हमारा टॉपिक ही है क्या है कि शीट हमारी क्या है प्रोडक्शन और आयरन स्टील हमारा किस तरीके से हम प्रोड्यूस करते हैं तो आपका जो होता है ये हमारा क्या है एक फ्लो डायग्राम है पूरा किसके विषय में कि आयरन और स्टील हमारा कैसे बनेगा तो हम इसको ध्यान से देखेंगे अब तो क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं हमारा जो है ज़मीन से हम क्या निकालते हैं आयरन के ओर निकालते हैं जिसे कहते हैं हम आयरन स्टोन ठीक है जिसे कह कहा जाता है हेमेटाइट ठीक है या मैग्नेटाइट तो ये हमारे आयरन के ओरस होते हैं जिसके अंदर आयरन हमारा रहता है तो उस आयरन को किस तरीके से हम अलग करते हैं ओर से तो वो हमको यहाँ पर देखना है क्या उसका प्रोसीजर है आयरन ओर से आयरन को अलग करने का ठीक है तो हमारा जो अयस्क होता है या आयरन का ओर होता है उसके अंदर काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ हमारी मिली रहती है जिनको हमें अलग करते अलग कर लेते हैं जिससे हमें आयरन हमारा प्राप्त होगा आयरन के बाद हम क्या करते हैं हमारा स्टील बनाया जाता है और स्टील के बाद हमारा उसको अलग अलग शेप में ढाल के दिया जाता है और जो हमारा आगे उसका प्रोडक्शन चलता रहता है और वो हमारा आगे सप्लाई कर दिया जाता है स्टील और अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है तो कहानी कहाँ से शुरू होगी खुदाई से आयरन की खुदाई की जाएगी सबसे पहले कि हमको आयरन एक स्टोन के रूप में प्राप्त होगा जिसमें क्या होगा आयरन हमारा छुपा रहता है उस आयरन में इम्प्योरटीज़ रहती हैं उन इम्प्योरटीज़ को हम क्या करते हैं दूर करते हैं अपने प्रोसीजर्स की हेल्प से और एक सबसे पहले आयरन प्राप्त करते हैं ठीक है तो जो सबसे पहले आयरन प्राप्त होता है उसको कहते हैं हम पिग आयरन ठीक है तो हम आयरन ओर से पिग आयरन कैसे प्राप्त करते हैं उसका हम यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो आयरन ओर से वो हमारा जो पिग आयरन हमको मिलता है वो हमें मिलता है ब्लास्ट फर्नेस से तो एक ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है एक हमारी बड़ी फर्नेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कोयला कोक जो हमारा कोक होता है कोयले को आप हम जब गर्म करेंगे कोयले को जब हम क्या करेंगे गर्म करेंगे बहुत टाइम के साथ ऑक्सीजन की एब्सेंस में यानी कि बिना ऑक्सीजन के जब कोयले को हम गर्म करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर तक तो हमें प्राप्त होता है कोक और वो कहाँ किया जाता है कोक अवन में काम किया जाता है कोयल को किसमें बदलने के लिए कोक में कोक एक ऐसा कोयल होता है जिसके अंदर कार्बन परसेंटेज क्या होती है बहुत ज्यादा होती है ये एक रिफाइंड फॉर्म होती है कोयले की कोक क्या होता है रिफाइंड फॉर्म ऑफ कोयल तो हमने इसे क्यों बदला है ताकि कोक क्या करे हमको अधिक एनर्जी सप्लाई करे ऊर्जा की एक अधिक मात्रा ऊष्मा की एक अधिक मात्रा हमें कौन प्रदान करेगा कोक प्रदान करेगा ठीक है कोयले के कंपैरिजन में तो हम क्या करेंगे इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हम क्या-क्या डालते हैं तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हम डालेंगे अपने आयरन ओर को ठीक है आयरन ओर कहां से लाए हम जो हम लाए खुदाई से एक्सकैवेशन से यानी अर्थ से अर्थ से हमने खुदाई करके क्या लिया आयरन ओर लिया उस आयरन ओर को कहाँ डाल दिया ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डाल दिया ठीक है उसके बाद उसमें क्या डाला हमने लाइम डाला ठीक है ये हमारा एज ए फ्लक्स काम करता है जो आयरन के अंदर अशुद्धियाँ होती है उनको अपने साथ ऐड करके लेता है और फ्लास्ट फर्नेस से बाहर निकाल देता है तो ये हमारा होता है लाइम और एक डाला जाता है इसमें ऊषमा के लिए क्या हमारा कोक डाला जाता है ठीक है और उस कोक को जलाने के लिए हम क्या करते हैं इस्तेमाल नेचुरल गैस का या कोयले का तो हमारा क्या है यहाँ पर हीट हमें प्राप्त होगी किससे नेचुरल गैस से और कोक हमारा क्या करेगा ऑक्सीजन की में यानी कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की एयर को इसके अंदर क्या करेंगे हाई वेलोसिटी से बहाया जाता है ठीक है तो इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर क्या होगा जो भी आयरन है हमारा आयरन का जो भी अयस्क है उसमें से क्या होगा हमारा आयरन क्या होगा बाहर निकलेगा यानी कि उसमें फिर भी कुछ अशुद्धियां रह जाएंगी तो जो हमको ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त आयरन होता है उसको कहते हैं हम क्या पिग आयरन ठीक है तो हमारा क्या है ब्लास्ट फर्नेस की मदद से हम क्या बनाते हैं आयरन और से बनाते हैं हमारा पिग आयरन ठीक है अब ये जो पिग आयरन है हमारा पिग आयरन से ही हम जो है और अन्य तरह के आयरन प्राप्त करते हैं जैसे रोट आयरन कास्ट आयरन और हमारा स्टील तो स्टील कास्ट आयरन और रॉड आयरन को हम किससे प्राप्त करते हैं वो हमें प्राप्त करते हैं आयरन ओर से ठीक है तो आयरन ओर को जब हम पिग आयरन को एक बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस कन्वर्टर में डालते हैं बी का मतलब यहां पर है बच्चों बेसिक ऑक्सीजन इस फर्नेस का नाम क्या है बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस ठीक है तो इस फर्नेस में क्या होता है पिग आयरन हमारा डाला जाता है तो ई ये पिक आयरन क्या काम करता है कन्वर्ट हो जाता है किसमें स्टील में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा स्टील में और साथ के साथ इसमें जो स्टील इस का स्क्रैप होता है जो हमारा जहाँ पर हमारा प्रोडक्शन हो रहा है स्टील का वहाँ पर क्या है जो हमारे जितना भी स्क्रैप होता है इंडस्ट्रीज़ में उसको कहाँ लिया जाता है जहाँ पर हमारा स्टील बनाया जा रहा है तो उस स्टील स्क्रैप को भी हम क्या ऐड कर देते हैं इसी फर्नेस में ऐड कर देते हैं और ऐड कराया जाता है ऑक्सीजन तो यहाँ पर क्या होता है बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में आफ्टर हीटिंग और मेल्टिंग क्या मिलता है हमको स्टील मिलता है क्या मिल जाता है स्टील मिल जाता है ठीक है फिर हमारा स्टील प्राप्त करने के और भी कई सारे मेथड हैं ठीक है तो स्टील का हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट क्या करो आयरन ओर को आप नेचुरल गैस कोयले के हिसाब से डायरेक्ट रिडक्शन करा लो इसका किसको आयरन ओर को डायरेक्ट किस में बदलना है स्टील से तो डायरेक्ट रिडक्शन कराएंगे और उसके बाद उसे भेजेंगे किसमें इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस में यानी कि स्टील बनाने का एक मेथड दूसरा है हमारा क्या इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस अभी हमने देखा था बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस ये भी क्या करती है पिग आयरन को बदल देती है स्टील में और जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है वो भी क्या करती है हमारा जो हमारा आयरन आ रहा है उसको किसमें कन्वर्ट कर देती है क्रूड स्टील में क्रूड स्टील का मतलब क्या होता है कच्चा स्टील ठीक है यानी कि स्टील हमको यहाँ पर मिल गया है अब हम उसे क्या करेंगे उसको कास्ट कर देंगे अपने प्रोडक्ट के हिसाब से स्लैब में ब्लूम में क्या कर देंगे कास्ट कर देंगे बड़े बड़े लंबे लंबे क्या बना देंगे रॉड बना देंगे उसकी ठीक है ताकि हम क्या कर सकें उसे सप्लाई कर सकें आगे तो हमारा यहाँ पर स्टील हमको प्राप्त हो जाता है दूसरा क्या है कि डायरेक्ट स्टील स्क्रैप को भी हम इल इलेक्ट्रिक आल्फरनेस में डाल सकते हैं उससे हमें क्या मिलेगा ऑटोमेटिकली स्टील बन जाएगा और हमारा हीट कहाँ से मिलेगा हमको ऑयल या नेचुरल गैस से तो इस तरीके से क्या होता है पिग आयरन जो बनेगा आपका पिग आयरन जो हमें प्राप्त होगा वो किससे प्राप्त होगा ब्लास्ट फर्नेस से ब्लास्ट फर्नेस क्या काम करती है हमारा वो हमारा पिग आयरन बनाती है किससे आयरन के ओर से और जिसमें क्या क्या डाला जाता है हमारा लाइम स्टोन डाला जाता है कोक डाला जाता है तो जो भी ब्लास्ट फर्नेस में एक स्लैग बनता है स्लैग माने होता है अशुद्धि तो जो स्लैग होता है वो हल्का होने की वजह से क्या आ जाता है ऊपर आ जाता है आयरन के तो वो स्लैग क्या करता है लाइम स्टोन के साथ मिक्स होकर बाहर हो जाता है तो लाइम स्टोन का काम ही क्या है स्लैग के साथ एड कर होके जो भी अशुद्धियाँ उसको क्या करना बाहर करना आयरन से ताकि हमको क्या मिल सके पिग आयरन मिल सके ठीक है तो इस तरीके से हमें जब स्टील प्राप्त हो जाता है तो वो स्टील हमारा क्या होता है फिर मेटलर्जी के लिए जाता है जिसमें हम क्या करते हैं अलॉय मिक्स कर देते हैं स्टील में क्या किए जाते हैं तो हमने जो हमारे अगले यूनिट में हम जो पढ़ेंगे नॉन फेरस मटेरियल्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ उसमें क्या होता है हम स्टील में जैसे हमने मान लिया अलोइंग एलिमेंट ले लिया निकिल तो निकिल ऐड कर देंगे या कॉपर तो जिस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए होगी हम उस उस भी उसी नॉन फेरस मटेरियल को किस में ऐड करेंगे स्टील में उसे कहते हैं हम मेटलर्जी तो स्टील हमारा क्या करेंगे फिर उसको हम कास्टिंग कर देंगे ठीक है कास्ट करने के बाद वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्लैब में ब्लेट्स में या ब्लूम्स में ब्लूम्स क्या होते हैं लंबे, लंबे लंबे आपने रॉड देखी होंगी आई क्रॉस सेक्शन की रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की जो बड़े बड़े क्या होंगी लंबी लंबी हमारी रॉड्स होंगी वो कहलाती है हमारी स्लैब्स ब्लेट्स और ब्लूम्स फिर उनको हम रोल कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग टू द डायमेंशंस और उससे कन्वर्ट हो जाती है बीम्स पार्ट्स और शीट्स हम मिलती हैं हमको ठीक है जो हमारा क्या होता है कहीं पे भी स्ट्रक्चर बनाना है रेलवेज में कहीं पे भी डिफेंस इक्विपमेंट्स में उनको हम स्टील को यूज़ कर लेते हैं ब्रिज बनाना है कुछ भी बनाना है वहाँ पर स्टील हमारे ये सप्लाई की जाती है तो कहानी इसकी शुरू कहाँ से होती है आयरन ओर से जो हमें कहाँ से मिलेगा अर्थ से खुदाई करके ठीक है तो खुदाई करने के बाद आयरन ओर मिलेगा उसको हम कहते हैं आयरन का ओर होता है आपका हेमेटाइट ठीक है हेमेटाइट होता है आयरन ऑक्साइड तो उसके अंदर क्या होती, होती है आयरन के स्टोर में अशुद्धियाँ होती हैं उस अशुद्धियों में क्या होता है हमारा आयरन रहता है जिसको हमें अलग करना होता है सेपरेट करना होता है जो हमारा कौन करता है काम ब्लास्ट फर्नेस तो ब्लास्ट फर्नेस में क्या हो रहा होता है ब्लास्ट फर्नेस में हम नेचुरल गैस सप्लाई करते हैं कोक लाइम और हमारा आयरन ओर के साथ ठीक है यहाँ पर इतनी हीट मात्रा में बनाई जाती है जिससे क्या होता है सारी अशुद्धियाँ क्या होती हैं लाइम के साथ मिल अलग कर ली जाती हैं और जो हमारा आयरन होता है हमारे वो हमें पिग आयरन यहाँ पर प्राप्त हो जाता है फिर पिग आयरन से स्टील बनाने के लिए हमारे कई सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं ठीक है तो जैसे हमारा क्या है बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस है ये क्या काम करती है हमारे पिग आयरन को स्टील में कन्वर्ट कर देती है ऐसे हमारा इलेक्ट्रिकल फर्नेस है इट इज़ वेरी यूज़फुल मेथड जिससे हम क्या करते हैं ज़्यादातर हमारा जो मेथड है वो क्या है इलेक्ट्रिकल है जिससे हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हीट कन्वर्ट करते हैं हीट बनाते हैं जिससे हम पिग आयरन को कन्वर्ट करते हैं किससे किस में स्टील में क्योंकि पिग आयरन जो होता है उसमें आपका कार्बन परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है तो हमें चाहिए होता है पर से कार्बन परसेंटेज कम क्योंकि तो मैं पहले बता चुका हूँ कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होने से क्या होता है मटेरियल क्या होता है ब्रिटिल ज़्यादा होता है यानी कि वो क्या कर सकता है उसकी टफनेस क्या रहती है कम लेकिन हमारे जो एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हमको यूज़ करना है जो हमारे जितने भी सेक्टर है स्टील सेक्टर है जहां पर यूज़ होती है स्टील वहां पर क्या है कि हमको टफनेस टफनेस की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है तो जहाँ भी स्टील यूज करेंगे जैसे ब्रिज बना रहे हैं स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वहाँ पे क्या चाहिए हमको कोई मूविंग पार्ट है लेथ मशीन में या कोई भी मशीन है हमारी तो वहां पे क्या होनी चाहिए हमारे पास टफनेस होनी चाहिए टफनेस तो होती है हमारी किसके पास स्टील के पास ठीक है पिग आयरन के पास वो क्वालिटी हमारी नहीं होती तो पिग आयरन से कन्वर्ट कर लेते हैं हम स्टील ठीक है और स्टील में हमारा एल्यूमिनियम एलिमेंट्स मिला के निकल कॉपर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज जो हमको डालनी है किसके अंदर स्टील के अंदर वो हम यहाँ पर मिक्स करते हैं और उसके बाद हम उसको कास्टिंग करके एक ऐसी रेगुलर शेप देखें जिससे हमारी वो आगे ट्रांसफ़र कर दी जाए उसमें कन्वर्ट करके हमारी आगे वो काम में ली जाती है तो ये हमारा क्या था ये हमने बात करी हमारी किस तरीके से प्रोडक्शन का फ्लो डाइग्राम होता है ठीक है तो हमारा आयरन और होता है सबसे पहले उसके बाद हमारे लास्ट में क्या मिलता है स्टील हमको प्राप्त होता है ठीक है पिग आयरन है हमारे पास और स्टील बनाया तो पिग आयरन से हमारा क्या बनता है रॉट आयरन भी बनता है पिग आयरन से ही क्या बनाया जाता है पिग आयरन से क्या बनाया जाता है हमारा रॉट आयरन बनाया जाता है ये बनाया जाता है आपका प्यूडलिंग प्रोसेस से तो इसमें हम प्रोसेस में नहीं जाएंगे सिर्फ हम जानेंगे कि हमारा किस तरीके से यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हमारा किस काम में आता है ठीक है तो जो हमारा यहाँ पे देखा कि हमारे को पिग आयरन प्राप्त होता है स्टील वो इलेक्ट्रिकल फर्नेस की मदद से होता है और पिग आयरन से जो रॉट आयरन बनता है वो हमारा फ्यूडलिंग प्रोसेस के द्वारा बनता है ठीक है ना तो ये हमारे आयरन होते हैं जो हम प्राप्त करते हैं किससे आयरन ओर से अब हम बात करेंगे आगे पिग आयरन की प्रॉपर्टीज पे जो हमने पिग आयरन प्राप्त कराया अभी किससे प्राप्त कराया पिग आयरन जो आपको मिला है यहाँ पर किससे मिला है वो मिला था हमको ब्लास्ट फरनेस से जो पिग आयरन हमको मिला वो ब्लास्ट फरनेस से मिला तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो हमारा सेमी फिनिश्ड होता है क्योंकि अभी मैंने बताया कि पिग आयरन को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते तो सेमी फिनिश्ड फेरस मेटल होता है जिसकी जिसमें कार आयरन परसेंटेज कितना है नाइन्टी है और थ्री टू फोर कार्बन है तो कार्बन की इतनी अधिक मात्रा का रिक्वायरमेंट हमको नहीं होता है और स्मॉल अमाउंट में क्या क्या रहते हैं सल्फर मैगनीस फास्फोरस और हमारी दूसरी इम्प्योरिटीज वहाँ पर पाई जाती है तो हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन पिग आयरन मेक्स इज टू बी वेरी हार्ड इससे क्या हो जाता है बहुत हार्ड हो जाता है जिससे हमारा वो क्या होता है बहुत ज़्यादा ब्रिटिल हो जाता है और ब्रिटिल मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है हमको क्या चाहिए होती है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी चाहिए थोड़ी सी मटेरियल के अंदर टफनेस चाहिए तो ये हमारा पिग आयरन क्या होता है सेमी फिनिश्ड कहलाता है ठीक है ना तो ये मैंने सब बातें आपको बताई थी कि आयरन ओर को मेल्ट किया जाता है किसके साथ कोक के साथ और हमारा फ्लक्स फ्लेक्स के, के रूप में कौन यूज करता है हम पे लाइम स्टोन को यूज किया जाता है ठीक है जो हमारा स्लैग के साथ क्या होता है मिक्स हो जाता है उसको क्या कर देता है बाहर कर देता है तो पिग आयरन हमारा यूज कहाँ का होता है इसकी बहुत ही पिग आयरन कहाँ यूज होगा रॉट आयरन बनाने में और आपका कास्ट आयरन बनाने में और हमारा स्टील बनाने में तो इसका बहुत ही कम यूज है ये जो फोर्जिंग के जितने बेसिक टूल्स होते हैं वो हम किससे बनाते हैं से बना सकते हैं ठीक अब आता है आयरन। आयरन तो क्या होता है हमारा ये हमारा सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है जिसके अंदर हमारा कार्बन परसेंटेज बहुत ही कम रेंज का होता है जिसमें नाइनटी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट क्या है आपका आयरन है ठीक है और कार्बन कंटेंट कितना है कार्बन कंटेंट है मात्र 0.05 से 0.25 परसेंट तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म का जो आयरन होता है वो हमारा क्या होता है रॉट आयरन होता है तो कार्बन परसेंटेज जितनी कम होगी उतनी हार्डनेस भी क्या होती है बच्चों कम होती है तो मटेरियल हमारा क्या हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो रॉट आयरन क्या होता है हमारा सॉफ्टेस्ट होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है मोस्टली सॉफ्ट ठीक है तो लो कार्बन कंटेंट क्या करेगी इसको सॉफ्ट बनाएगी सॉफ्ट होने की वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा टक्टाइल हो जाएगा और हाईली मेलिएबल हमारा हो जाएगा इसकी इलास्टिसिटी भी क्या होगी बढ़िया होगी ठीक है इट कैन बी हीटेड एंड रीहीटेड रीहीटेड एंड हीटेड करने की वजह से इसको क्या कर सकते हैं हम इसको रॉट आयरन बोला जाता है रॉट आयरन को मतलब अलग अलग शेप्स में क्या कर सकते हैं इसको हम ढाल सकते हैं इसलिए इसको क्या क्या बोला जाता है रोट आयरन्स तो ये हमारी इसकी एप्लीकेशंस है जो हमारी डोमेस्टिक एप्लीकेशन देख सकते हैं आप किसकी रॉट आयरन की तो हमने बात करी पिग आयरन की प्रॉपर्टीज की और रॉट आयरन की प्रॉपर्टीज अब बात करते हैं इनके कंपेरिजन की कंपेरिजन स्टील रॉट आयरन और कास्ट आयरन का ठीक है तो तीनों ही बात करें तो तीनों का ही जो बेस मेटल है वो क्या है हमारा तीनों का बेस मेटल क्या है आयरन है तीनों का ही बेस मेटल क्या होगा आयरन होगा तीनों ही हमारे फेरस मटेरियल है कार्बन कंटेंट की बात करें तो सबसे प्योरेस्ट कौन सा है रॉट आयरन तो सबसे कार्बन परसेंटेज सबसे कम किस में होगा इसमें ही होगा होगा ही नहीं बल्कि लगभग ठीक है और सबसे ज्यादा किस में होगा कास्ट आयरन में होगा सही है और उसमें बी सी कैटेगरी में कौन होगा स्टील जितना जैसा स्टील हमको रिक्वायरमेंट होगा हाई कार्बन स्टील लो कार्बन स्टील या मीडियम कार्बन स्टील तो उस स्टील के हिसाब से हम क्या करेंगे इसमें कार्बन को ऐड करेंगे मेलियबिलिटी इसकी अच्छी होगी ये भी हमारा सॉफ्ट होता है प्योर कार्बन होने की वजह से और कास्ट आयरन क्या होता है रिटेन मटेरियल में काउंट होता है करोजन रजिस्टेंस क्रोजन डिपेंड करेगा किस पे स्टील पे ठीक है तो कोरोजन के लिए इसमें क्या मिलाते हैं हम निकिल डाल सकते हैं जिंक डाल सकते हैं तो वो डिपेंड करेगा हमारे अलोए पे कि कैसा अलोया हमने डाला है कि कोरोजन के लिए है वो या नहीं है इसके बाद क्या होता है इसका हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन होता है किसका रॉट आयरन का ये इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे ज्यादा हाई रेजिस्टेंस किसका होता है कोरोजन का वो होता है हमारा किसका रॉट आयरन का जबकि कास्ट आयरन का क्या होता है लो होता है सही यूसेस क्या होता है स्टील को मल्टीपर्पज यूज़ होता है स्ट्रक्चर बना लो कोई एरोप्लेन बना लो कहीं पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं ना पाइप्स बना सकते हैं हम सही तो ब्रिजेस बना सकते हैं काफ़ी जगह रेलवेज में डिफेंस में हमारा स्टील का यूज़ किया जाता है ठीक है रॉट आयरन क्या है? हमारा रेयरली रेयर यूज़ होता है, है ना और कास्ट आयरन के हमारे कुछ स्पेसिफिक यूज़ हैं जहाँ पर हमारा क्या होता है कंप्रेशन हमारा रिक्वायरमेंट में रहता है वहां पे ज़्यादातर कास्ट आयरन हम यूज़ करते हैं है ना अगला बेस देखें वो है हमारा तो बेस्ट फीचर क्या है इसका द फैक्ट दैट डाइवर्स अलॉयस कैन बी एडेड टू गिट्स इज ग्रेट वर्सलिटी तो यानी कि अलॉय एलिमेंट चेंज करने से क्या होता है प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है किसकी स्टील में तो इसको वर्सेटाइल बनाता है बहुत ज़्यादा ये ठीक है इसमें क्या है इसको ये हमारा ईजिली वेल्ड किया जा सकता है ठीक है और रस्ट करता है ये बहुत ही स्लोली और ये हीट एंड वियर रेजिस्टेंस होता है कौन कास्ट आयरन तो कास्ट आयरन हीट और वियर दोनों को क्या कर सकता है सहन कर सकता है क्योंकि हमारा इसके अंदर ग्रेफाइट होता है ग्रेफाइट क्या होता है हमारा ग्रेफाइट होने की वजह से लुब्रिकेशन ऑटोमेटिक हमको मिलता है अगली बात करें वो है हमारा वर्स्ट फीचर की स्टील का वर्स्ट फीचर क्या है ऑक्सीडेशन जंग लग जाती है इसमें क्या लग जाती है ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका आयरन का आयरन की ज़्यादा मात्रा होने की वजह से क्या होता है हो जाता है ऑक्सीडेशन रॉट आयरन का क्या है हाई कॉस्ट है और ये कास्ट आयरन क्या है ब्रिटिल यानी कि जहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ लग रही होगी वहाँ पर इसको यूज़ नहीं कर सकते तो ब्रिटिलनेस क्या है इसके लिए एक डीमेरिट बन जाती है किसकी कास्ट आयरन की यानी कि ये क्या होता है इम्पैक्ट फोर्स को झेल नहीं सकता क्रैक हो जाएगा हमारा वहाँ पर ये फेल हो जाएगा तो ब्रिटिलनेस क्या है इसका एक वर्स्ट फीचर है अब बात करते हैं हमारा जो हमें यहाँ पे देख रही है हमारे सिलेबस में टाइप्स ऑफ स्टील्स है जिसमें हमारे ये सबसे पहले सिलिकॉन स्टील्स फिर हमारा स्प्रिंग स्टील्स तो ये स्टील्स होती हैं हमारी अलग अलग टाइप की ठीक है तो अब तो हमने पढ़ा था कार्बन परसेंटेज के आधार पर एक है हमारे प्रॉपर्टीज़ क्वालिटी के आधार पर सबसे कौन सी पहले कौन सी है सिलिकॉन स्टील तो सिलिकॉन स्टील्स यूजली है बेटर इलास्टिक इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो सिलिकॉन क्या होता है हमारा सेमीकंडक्टर होता है जिससे हमारी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इंप्रूव होती हैं स्टील विद जीरो कार्बन और थ्री टू फोर परसेंट कार्बन सिक सिलिकॉन तो कितने होना चाहिए यहाँ पे थ्री टू फोर परसेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल स्टील विच इज़ यूज फॉर कोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स यानी कि जो सिलिकॉन स्टील है वो किस में यूज किया होगा इलेक्ट्रिकल मोटर्स में और स्टील विद वन टू परसेंट अगर एक से दो परसेंट है वो क्या कहला कहलाता है हमारा डायनमो स्टील कहलाता है तो हमको याद रखना है अगर वन टू टू परसेंट है तो कौन सा स्टील हो जाएगा वो डायनमो स्टील अगर हमारा थ्री टू फोर परसेंट है तो वो हमारा क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिकल स्टील अब अगला आता है स्प्रिंग स्टील यानी कि जो स्टील हमारा स्प्रिंग में काम आता है ठीक है तो स्प्रिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमारा ऊर्जा क्या होती है हमारी एब्जॉर्ब होती है जब हमारे पे लोड आता है तो स्प्रिंग क्या काम करेगी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेजिलियस तो ये कैसे प्रोवाइड किया जाता है तो हाई इलास्टिक लिमिट होनी चाहिए और टफनेस होनी चाहिए है ना किसके अंदर स्प्रिंग स्टील के अंदर तो इसमें किस किस तरह का कंपोजिशन रहता है तो मेन है इसका कंपोजिशन याद रखना कंपोजिशन के लिए कार्बन कितना है कार्बन है जीरो पॉइंट फाइव परसेंट के आसपास सिलिकन कितना है सिलिकन कम मात्रा में है जीरो पॉइंट वन परसेंट मैगनीज क्या करता है स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ये कितना परसेंट है हमारा वन परसेंट से कम रखना है क्रोमियम हमारा क्या काम करता है क्रोमियम हमारा हार्डनेबिलिटी को बढ़ाता है जीरो पॉइंट फाइव परसेंट निकल क्या काम करता है निकिल भी हार्डनेस को बढ़ाता है जीरो पॉइंट फाइव परसेंट के आसपास मोलोबिडनम क्या करता है हाई टेम्परेचर पे हमारी हार्डनेस को बरकरार करता है जीरो पॉइंट वन फाइव से जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट और बाकी बचा हुआ क्या होता है इसके अंदर आयरन तो हमको ये याद रखना है कि कौन सा कितने परसेंटेज में स्प्रिंग स्टील के अंदर ठीक है तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने टाइप की हमारी स्टील्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ तो हमको ये सब वहाँ पर डालनी पड़ेंगी या ऐसे भी आ सकता है कि सिलिकन स्टील्स के बारे में की कंपोजिशन हमें लिख के बताओ ठीक है अगली स्टील आती है हमारी हीट रेजिस्टेंस स्टील होती है नाम से स्पष्ट है जो क्या करेगी हीट को क्या करेगी हमारे जो भी जो भी हमारा प्रोडक्ट है जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको टेम्परेचर सेंड करने की क्षमता देगी जैसे टर्बाइन है हमारा अगर स्टील से बनी हुई है तो वहाँ पर क्या होता है हीट डेवलप होती है तो हीट को जो बीट कर दे वो क्या कहलाएगा हमारा हीट रेजिस्टेंस स्टील कितने टेम्परेचर रेंज में काम कर सकता है 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तो टर्बाइंस जो होती है हमारी या रॉकेट्स होते हैं हमारे जब बॉयलर्स होते हैं यहाँ पर सब में क्या है टेम्परेचर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए हाई मिलेगा तो याद क्या रखनी है मेन कंपोजिशन क्या है इसकी क्या है कार्बन कितना से कितना से और क्रोमियम क्रोमियम कितना chromium हमारा होता है जीरो पॉइंट थ्री से जीरो पॉइंट फोर फिर ये होता है हमारे दो तरह के होते हैं रेजिस्टेंस होता है एक फेरिस्टिक्स होता है तो ये लो अलो स्टील होता है जिसमें कम्पोजिशन कार्बन कितना है जीरो पॉइंट वन से जीरो पॉइंट टू मोलोबिडनम कितना है जीरो पॉइंट फोर फाइव से जीरो पॉइंट सिक्स फाइव क्रोमियम हमारा टू पॉइंट टू फाइव तक मिलेगा वेनेडियम हमारा कम मात्रा में और बाकी बचा हुआ क्या है सब आयरन तो हीट रजिस्टेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए हमारा यहाँ पर होना चाहिए कंपोजिशन में मोलोबिडनम और क्रोमियम यानी मोलोबिडनम और क्रोमियम क्या है दोनों ही किसके लिए किसके खिलाफ़ लड़ते हैं आपका हीट के खिलाफ लड़ते हैं ठीक है अब अगला स्टील है हमारा क्या स्टेनलेस स्टील तो स्टेनलेस स्टील स्टील बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टील है बहुत ज़्यादा इसका यूज है तो स्टेनलेस का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई भी क्या ना कर सके हम कोई भी स्क्रैच ना बन सके जिस स्टील के ऊपर स्क्रैच बनाना स्क्रैच जो स्क्रैच फ्री जो स्टील होती है वो क्या होती है हमारी स्टेनलेस स्टील होती है हाईली रेजिस्टेंस टू कोरोजन होती है कोरोजन यानी जंग इस पर नहीं लगता ठीक है तो ये हमारी क्या होती है इसमें ये होती है हमारी क्रोमियम और निकिल के बेस पे तो इसमें दो ही अलोइंग एलिमेंट डाले जाते हैं क्रोमियम और निकिल तो क्रोमियम इसमें डाला जाता है ज़्यादा परसेंट मिनिमम ज़्यादा परसेंटेज में और निकिल होता है हमारा कम ठीक तो क्रोमियम और निकिल के आधार पर ये हमारा रहता है हमारा स्टेनलेस स्टील तीन कैटेगरी में बांटा गया है इसको पैरिटिक ऑस्टेंटिक और हमारा मार्टनस्टिक तो ये तीन कैटेगरी में स्टेनलेस स्टील होता है जिसमें हमारा मुख्यतः कौन होते हैं कॉपर और निकिल होता है ठीक है फिर आता है हमारा हाई स्पीड स्टील्स तो जो हाई स्पीड स्टील्स होती हैं जैसे ड्रिलिंग टूल्स है से हमारा है ना उसमें क्या है कि हाई स्पीड पर चलता है हमारा टूल या हमारा मिलिंग ऑपरेशन है तो जहाँ पे भी हमें हाई स्पीड रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस हमारी लगती है उन स्ट्रेसेस को झेलने के लिए हमको एक ऐसी स्टील डेवलप करनी है जो हमारा क्या करे उस पटीक फ्रैक्चर जितनी भी तरह की लोडिंग है उसको सहन करे तो वहां पे कौन सी स्टील यूज होती है हमारी हाई स्पीड स्टील तो ये होती है हमारी डब्ल्यू के आधार पर यानी कि टंगस्टन होता है इसके अंदर क्रोमियम होता है और हमारा क्या होता है वेनेडियम डब्ल्यू सी बी ठीक है तो ये तीनों एलिमेंट किसके अंदर होते हैं हमारे टंगस्टन आपका हाई स्पीड स्टील के अंदर होते हैं सही है तो जो टंगस्टन बेस्ड होते हैं तो उसमें क्या होता है 18 से 20 परसेंट क्या होता है 18 चार एक तो ये है इसका फार्मूला डब्लू सी वी अट्ठारह चार एक यानी कि 18 परसेंट क्या होता है आपका टंगस्टन होता है चार परसेंट आपका क्या होता है क्रोमियम होता है और बचा हुआ एक दो परसेंट क्या होता है हमारा वेनेडियम होता है तो हाई स्पीड स्टील दो तरीके की होती है एक होती है टंगस्टन बेस्ड और एक होती है हमारी क्या मोलोबिटन ठीक है मोस्टली जो यूज की जाती है वो कौन सी होती है टंगस्टन सही है लेकिन टंगस्टन महंगा होने की वजह से क्या है, की की है? मोलिबिडनम की तरफ को सही है लेकिन कंपोजिशन याद रखना हमको क्या डब्ल्यू सीवी अट्ठारह चार एक का है हाई स्पीड स्टील्स का है अब आते हैं तो हमारी ये लास्ट स्टील थी जो होती है हमारी हाई स्पीड स्टील तो ये हमें चार से पांच तरीके की स्टील हैं जो क्वालिटी के आधार पर हमें याद रखनी है सही है तो इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका यूनिट सेकेंड का वो है हमारा फ्लोर शीट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील मेकिंग इसका क्वेश्चन हमारा देखने को हमेशा मिलता है ये स्टील्स हमारी इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती लेकिन फिर भी हमको क्या याद रखनी है कंपोजिशन जरूर याद रखनी है कि हमारा हाई स्पीड स्टील में क्या क्या मिला हुआ रहता है या हमारा जो स्टेनलेस स्टील है उसमें मुख्यतः कौन रहता है क्रोमियम और निकल रहता है तो अब हम अगली वीडियो में देखेंगे बच्चों यूनिट नंबर थ्री जो हमारा नॉन फेरस मटीरियल है तब तक के लिए थैंक यू